मैं भाग ना जाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाग ना जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं, जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अत्यंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, अत्यंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, हो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं, हो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं, जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश, जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार में जन से मैं मोह को हटाऊं, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण, भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण, महाराज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं, महाराज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं, रत्नात्रय का पालन अंत में समाधि, रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये गाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये गाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। नमो अयंताणं नमस्कृतं नमो आर्याणं नमो वज्रं नमो लोय सौवसानं नमो समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरे मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम
सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। आज तो शनिवार है तो क्वेश्चन आंसर का दिन है। कुदरती टॉपिक भी अपना वो है कि बहुत से क्वेश्चन सबके माइंड में है। अपना जो 14 नंबर का पॉइंट था इसके अंदर, इसमें प्रभु के दर्शन करना है तो ये 14 नंबर की गलती भी नहीं होनी चाहिए। क्या गलती कि हम साधना करते करते अगर किसी को भी दोष करने में निमित बनते हैं तो भी हमारी साधना बराबर नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अपने निमित्त से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे निमित्त, हम किसी को दोष तो वो अपनी गलती के कारण करता है, समझ नहीं है इसलिए करता है। दोष करने की पूरी जिम्मेदारी अपनी नहीं है, जो गलती करता है उसकी है। लेकिन हम क्या बनते हैं, उसमें निमित्त बनते हैं, और ये निमित्त बनना भी ठीक नहीं है। क्या अगर हम निमित्त बनेंगे तो इसका इफेक्ट हमारी साधना पे आता है, हम अपनी साधना बराबर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये गलती भी नहीं होना चाहिए। कौन सी गलती? कि हमारे कारण दूसरा कोई गलती करे। वो गलती कर सकता है क्योंकि उसको समझ नहीं है, लेकिन उसमें हम निमित्त नहीं होना, तो फिर हमारी समझना के साधना बराबर है। हम साधना भी करते रहे और साथ साथ में हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ भी होते जाए, तकलीफ माने वो गलती करते जावे, तो फिर हमारी साधना में अभी कमी है। एक वजह ये भी होती है हम अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या कि हम स्वार्थी बन जाते हैं, सेल्फिश। दूसरा डूबे चाहे कुछ भी हो, मार तोड़ के भी हमको अपनी साधना करना है। इस प्रकार से नहीं होती है साधना। दूसरे भले ही घर वाले दुखी हो जाए, सब दुखी हो जाए, हम तो हमारा ही आत्म कल्याण ही करेंगे, ऐसा जो है, ऐसा जो हमारे दिल में अभिप्राय होता है वो ठीक नहीं है। जिसको अपने आत्मा पे दया आती है उसे जगत के तमाम जीवों के ऊपर दया आती है। वो सभी जीवों में परमात्मा देखता है। जैसा मेरा परमात्मा है, जैसे मैं सुख को चाहता हूँ, ऐसे जगत के जितने भी जीव हैं सब सुख को चाहते हैं। तो उसके दिल में दया उमड़ती है सब जीवों के प्रति, उसका नजरिया चेंज होता है। इसकी आंखों में जो दोष दृष्टि है नजर में, वो मिट जाती है। गलत जीव में भी उसको गुण दिखाई देते हैं, वो गुण दृष्टि से देखता है, दोष दृष्टि खत्म हो गई। तो इसकी आंखों में प्यार झलकता है तो सामने वाले की आंखों भी पहचान लेती है उसको। क्या तो प्यार झलकता है हमारी आंखों में, भले हम उसको सपोर्ट करें न करें, लेकिन हमारी आंखों में उनके प्रति नफरत नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, क्योंकि हम अपनी साधना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हम ये आंखें सब जवाब दे देती है, हमारी आंखें सब जवाब देती है। अगर इन आंखों से, अपनी आंखों से अगर ये गलती करता है, वो गलती करता है, वो गलती करता है, ऐसा अगर आता है, सामने वाला पहचान लेता है कि मेरे बारे में सामने वाले के अंतर में क्या है, वो पहचान लेता है। छोटा बच्चा ही पहचान लेता है, 2 साल का बच्चा हो अगर आँख घुमाओ ऐसा तो नजीक नहीं आए। और अगर झूठ मूठ का आँख ऐसा करो तो नाटक है, समझ जाए, नाटक है वो भी समझ जाता है, नहीं समझता है। छोटा बच्चे में भी अकल है उसमें, क्योंकि वो उम्र में छोटा है, लेकिन इसके अंदर में जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है। हम इस दुनिया में पहले आए हैं, वो बाद में आया है,
हमने बहुत दिवाली देखी, उसने कम देखी, लेकिन परमात्मा और शक्ति तो हर एक में समान है। वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो, वो भी सर्वशक्तिमान है, हम भी सर्वशक्तिमान है। और ये कैसे पहचानता है? अपनी स्वयं की आत्मशक्ति से पहचानता है। उसको दुनियादारी का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो पहचान लेता है। अगर हम अपनी साधना करते हैं तो हमें दुनिया के सभी जीवों के प्रति, दुश्मन के प्रति भी, मन में भी गलत भाव नहीं होते हैं। और तब हमारे जो दुश्मन है ना, उनको ये पता चल जाता है कि ये आदमी बदल गया है। पहले उसकी आंखों में नफरत थी, हमारे प्रति द्वेष था, लेकिन आज वो पहले ऐसा नहीं रहा। भले अभी भी मेरे से दूर रहता है, बात नहीं करता है, संग नहीं करता है, लेकिन अब उसके नज़र में फर्क आ गया है। उसकी नज़र में दोस्त नहीं, उसको मेरी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं। उसकी आंखों में प्रेम और निर्दोषता टपकती है, उसको मालूम पड़ जाता है। देखिए, साधना करने वाले की आंखों में ये चमक आ जाती है, इसलिए वो अपनी साधना में लगे रहता है। वो देखने नहीं आता है कि दूसरा मेरे कारण से दुखी हो रहा है कि सुखी हो रहा है, या मैं साधना करता हूँ तो फिर क्या अपेक्षा आ रही है उसको, उसके वो गलती करता है कि नहीं करता है, वो देखने थोड़ा जाता है। ये तो अपने को इतना अच्छा सुधार लेता है कि अपने मन में दुश्मन के प्रति भी, मन में भी द्वेष भाव ना हो, ईर्ष्या ना हो, गुस्सा ना हो, भूतकाल याद ना हो उसका, भविष्य में ऐसा करूंगा उसको दिखा दूंगा ऐसे भाव ना हो, मौके की तलाश ना हो। क्योंकि अब उसे क्या करना है, उसका गोल क्या है, गोल बदल गया है। उसका गोल है सिर्फ आत्मशांति, और आत्मशांति के पीछे लगता है तो वो जीव वो दूसरों को दोष करने में निमित्त नहीं बन सकता है। दूसरे दोष करते हैं, लेकिन उसमें उसकी जिम्मेदारी वो दूसरों की है, लेकिन ये तो निमित्त भी नहीं बनता है अब, क्योंकि इसकी साधना अच्छी चल रही है। अगर उसकी साधना अच्छी चलते चलते, अगर साधना कितनी भी अच्छी हो, लेकिन दूसरों को दोष करने में अगर ये निमित्त है, तो समझना कि इसकी साधना सही नहीं चल रही है। ये देखना है। अभी आज तो क्वेश्चन आंसर का दिन है, लेक्चर तो नहीं है, किसी को कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपना जो ये टॉपिक जो दो दिन से चल रहा है उसके ऊपर अगर सवाल आए तो बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ समझना बाकी हो, डाउट हो, कुछ भी हो, क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन करना तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निमित का मतलब समझते हो क्या? निमित किसको बोलते हैं, और निमित का ऑपोजिट वर्ड क्या है? निमित्त इज इंसिडेंटल। और किसी को कुछ कहना है, निमित क्या चीज है? कारण, उसके कारण ऐसा होगा उस निमित में क्या है। निमित किसको कहते हैं? जैसा बोला ना, इधर अपने निमित से भी दूसरे को दोष करते हुए रोक नहीं, नाम से हो, क्लियर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, क्लियर हो जाए। दूध में अपन मिर्वन डालते हैं ना, क्योंकि हमारा इरादा है कि वो दही बने, तो दही बनाने के लिए हम दूध के कटोरे में छाँस का मिर्वन डालते हैं। और वो छाँस का मिर्वन में से दही बना है कि दूध में से दही बना है? दही जो बनता है वो दूध में से बनता है, और छाँस का मिर्वन तो आधी चम्मच था, उसमें से इतनी बड़ी दही कैसे बन गई? लेकिन छाँस का फिर क्या रोल है? अगर नहीं डालोगे तो भी नहीं बनेगा ना, छाँस का भी तो रोल है ना, सिर्फ उससे भी नहीं बनेगा, उससे नहीं बना है, लेकिन वो नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा ना। क्या तो छाँस का जो मिर्वन है वो निमित्त है, और दूध है वो उपादान, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या? उपादान।
जैसे हम चलते तो अपने पैर से है, लेकिन पैर में चुभ गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ घाव लग गया, तो ठीक से नहीं चल सकते हैं, तो फिर हम लकड़ी के सहारे चलते हैं। तो लकड़ी चलती है कि पैर चलता है, लेकिन फिर लकड़ी क्या है? ये अनुकूल सहारा, अनुकूल सहारा जो होता है उसको निमित्त कहते हैं। कभी अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है। अब जीव के बारे में कोई निमित्त ऐसे होते हैं जो इसके साथ रहने से हमको सुख होता है, कोई निमित्त ऐसे होते हैं जिसके साथ उसको देखने मात्र से हमको अहंकार या क्या क्या गुस्सा ईर्ष्या ऐसा हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं वो हमारे सुख में निमित्त है, दुश्मन है वो दुख में निमित्त है। लेकिन निमित्त सब कुछ नहीं है क्या? हम जब अपने आप अपनी गलती के कारण दुखी होते हैं तब कोई ना कोई बार में निमित्त होता है, और हम जब अपनी गलती सुधार करके सुखी बनते हैं तब कोई ना कोई बार में अनुकूल निमित्त होता है। सुखी होते हैं तो अनुकूल निमित्त कौन है? सदगुरु या सदगुरु के वचन, ठीक। और दुखी होते हैं तो निमित्त कौन है? जो अपने नहीं है लेकिन हमने उनको अपना माना है गलती से और उनसे अपेक्षा रखी है और उन्होंने अपेक्षा पूरी नहीं की, ऐसे दुनिया के लोग वो क्या है? ये हमारे दुख में निमित्त है। गलती किसकी? हमारी। क्योंकि मोह किसने किया? हम अपेक्षा किसने रखी? हमने। उसमें उन बिचारों का क्या दोष? लेकिन हमने गलती की और हम दुखी हुए तब कोई ना कोई वहां पर निमित्त हाजिर था। यहां ये कहना चाहते हैं तो तुम ऐसी अच्छी साधना करो, आत्म साधना, ताकि तुम्हारे निमित्त से तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, जो तुम्हारे पे डिपेंडेंट हैं या तुम्हारे से कोई अपेक्षा रखते हैं, वो भी तुम्हारे कारण से दोष न करे, राग भी न करे, द्वेष भी न करे, वो तुझे मित्र भी न समझे और राग भी न करे, और वो तुझे दुश्मन भी न समझे और तेरे से द्वेष भी न करे, तो तुम्हारी साधना परफेक्ट है। ये परफेक्शन है। इधर एक प्रश्न, जैसे बोल रहे हैं हमारे निमित्त से, इसी स्टार्टिंग का स्टेज जितने भी पॉइंट्स है उसमें वहाँ उसको कवर हो रहा है कि आग्रह मत करो, मतलब कोई भी तरीके से अपना आग्रह मत रखो। तो जब ये पॉइंट पर आ रहा है तब तक जब वो अपनी साधना में रहता है, सामने वाला, समझो कल आप सौगानी जी का एग्जाम्पल दिए कि पिक्चर चलो बोल रहे हैं, तो आग्रह बिना आग्रह रख कर हम चले जा रहे हैं, तो अब इसमें उनकी सामने वाले की तो अपेक्षा पूरी हो जा रही है, तो यहाँ पर हम उसका दोष बढ़ा रहे हैं ऐसा, क्योंकि अपना तो आग्रह नहीं है कि अब हम उसका अपेक्षा पूरी नहीं भी करें, वैसा आग्रह भी नहीं रखते क्योंकि हम दोष सुधर गए हैं, हमारे को कोई उससे अपेक्षा नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, हम न्यूट्रल हो गए। हाँ, तो हम एक तरीके से न्यूट्रल होने में जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और उनकी अपेक्षाएं अनजाने में पूरी हो जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगी तो भी परेशानी हो जाएगी, आप समझते नहीं हो, उन्होंने अपेक्षा कर ली अज्ञानता के कारण। अगर वो आप उनको सेटिस्फाई करोगे तो उनको सेटिस्फेक्शन जो होता है, अपेक्षा पूरी होती है, वो गलती करेंगे, राजी हो जाते हैं, मतलब राग करेंगे वो, और अगर नहीं करोगे तो क्या बच जाएंगे, तो द्वेष करके फंसेंगे, बेटर है वो राग करे। कैसे भी तो वो उन्होंने अपेक्षा रखी तो वो कैसे भी वो तो गलती में आ ही गए हैं, अब आप उसको पूरी करो या ना करो क्या। लेकिन इसमें आपकी साधना कैसे, अगर आप साथ में चले जाते हो तो क्या होता है, कम से कम तीव्रता नहीं बढ़ती है, आप तीव्रता को डाउन करते हो, उपशम करते हो, वो भी राजी हम भी राजी, तो इसमें उनकी अपेक्षा लॉस को मिनिमाइज कर रहे हो आप, अगर उनके भी तो उनको तो देखो, उनका जो उनकी इच्छा पूरी होती तो वो शांत रहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होते हैं, अशांति तीव्र बढ़ जाती है, और ये तीव्रता से लो लेवल में है, वो हमेशा मीडियम जो होता है उससे तीव्रता खतरनाक है,
तो फिर ऐसा देखा जाए तो एक तरीके से उनका दोष ही अपन निमित्त बन रहे हैं कि उनकी अपेक्षाएं पूरी हो जाए। वो तो शुरू में है, लेकिन हम अपनी साधना का वो कर रहे हैं। अभी समझो, अभी सौगाणी जी गए साथ में, चुपचाप चले गए। पहले तो टालने की कोई भी कोशिश करता है समझो, लेकिन नहीं भी टालने की कोशिश करे और चुपचाप चले गए कि कौन मगजमारी करेगा, और चले आते हैं। और वहाँ सब लोग पिक्चर देख रहे हैं, और इंटरवल जब हुआ तब तो आजू बाजू लाइट चालू हो जाती है ना इंटरवल में, तो आजू बाजू नजर जाती है तो ये तो ध्यान में बैठे हैं, तो क्या होगा घर वालों को? ये तो मेरे को राजी रखने के लिए चले हैं, बाकी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। जब आपको पूछा गया चलने के लिए, आप कैसा आंसर देते हो उससे सब डिपेंड करता है। समझ गया? तो उसको और जो साधना कर रहे हैं कि जहाँ हम पिक्चर में इन्वॉल्व होकर के भोग विलास कर रहे हैं, ढेर सारे काम वासना की पोषणा कर रहे हैं, वहीं वही उसी प्लेस के अंदर वो थिएटर मंदिर हो गया उनके लिए। क्या वो अपने आत्म साधना कर रहे हैं? डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मतलब यहाँ और हम एंजॉय करते हैं तो भी दुखी हैं, और वो एंजॉय नहीं करते हैं तो भी परम सुखी हैं, उनके चेहरे पे शांति झलकती है। ये डिफरेंस कितना बड़ा है, क्या फर्क है हम दोनों में? एक ही परिवार में रहते हैं, और फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। वो भी पंचम काल के जीव है, हम भी पंचम काल के जीव है, हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। क्या वो भी सुख दुख में संयोग उनको भी आते हैं, हमको भी आते हैं, लेकिन देखो कि दोनों के बाहर के वातावरण सेम होने पर भी एक ही घर में रहते हुए भी एक परम सुखी है और एक दुखी है। एक अंदर की शांति मिलती है उसको, और एक बाहर से ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। ये लाइव एग्जांपल मिलता है। तो यहाँ पर मेन ऐसा है कि कंसंट्रेशन अपनी साधना पर ही रहेगा, क्योंकि अगर अपन थिएटर में गया तो पिक्चर पे थोड़ा साधना है, पिक्चर को थोड़ा देख रहा है। ऐसा नहीं कि अब समझो अपनी साधना चल रही है तो ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार भी लक्ष्य उसके लिए अपन नहीं कर रहे निमित्त से वैसा। हम अगर उनको उनके साथ जाते हैं पिक्चर में समझ लो, तो भी हम अपने लिए जाते हैं ताकि वो वाद विवाद से बच जावे। अपनी साधना में ही है ना, हम पथरा नहीं मारते हैं अपने सर पे बिना वजह, जितना हो सके बचाते हैं अपने आप वाद विवाद से, आपस कॉम्प्रोमाइज भी उसको मत कहो, लेकिन अपनी साधना के लिए हम हेल्प जुटा लेते हैं। अगर समझो नहीं जाते और वो अट जाते तो क्या करते? तो कितने घंटे खराब होते मालूम? नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये तो ठीक है, हमारे पास समय खाली है जब हम उनके साथ चल जाएंगे। अगर हमें उसी वक्त अगर सत्संग में जाने का या भक्ति का कुछ प्रोग्राम है तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बेस्ट है। सिचुएशन देख लेना, क्या सत्संग में आना भी जरूरी है, और कभी कभी सत्संग में नहीं आने मिलता है हमारी भावना होने पर भी, ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, लेकिन हमको तो सत्संग में ही जाना है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि अगर वो सिचुएशन नहीं संभाले तो मामला और बिगड़ सकता है, तो अंदर में रोते हैं हम, लेकिन बाहर में उनका साथ देते हैं, जो अपने आसपास के माहौल है उनका साथ देते हैं। क्यों? कि सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। इसमें क्या है कि जो बलवान है वो जीतता है। अपनी पोजिशन देख लेना, हम किस पोजिशन में हैं? क्या हम अपना हुकूमत चला सकते हैं कि वो अपने पर हुकूमत चला सकते हैं? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बलवान है वो जीत जाता है। बाहर में तो क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी बेस। तो सिचुएशन देख लेना है, अगर हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं तो फर्मली बोलना है कि आप दूसरा कोई टाइम बोलो, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन इस टाइम में मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं एक साधना करता हूं। उसके लिए अगर आपको ये टाइम में चलना है तो मेरे को गुरु की परमिशन रहे तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मेरी साधना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। मैं कुछ लेवल तक आया हूँ, अगर मैं गुरु की आज्ञा बीच में छोड़ दूंगा तो मेरे को वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे 6 महीना साथ दे, ऐसा करके हम सत्संग को नियमित कर देंगे। क्या और मैक्सिमम ट्राई करें कि सत्संग में आने की, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो फिर वहाँ चालाकी होशियारी से काम करना पड़ता है। मैनिपुलेशन क्या अटाग्रह करोगे तो फिर वो तकलीफ हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। और अगर आपकी भावना सच्ची है
और सत्संग में आने को नहीं मिलता है दूसरों के कारण, परिस्थिति के कारण, तो क्या आप दूसरी परिस्थिति में जहाँ सत्संग नहीं है वहाँ जाते हो तो क्या आप राजी रहोगे? आप राजी तो नहीं रहोगे, आपको बहुत तकलीफ होगी अंदर में। और ये तकलीफ होगी ना, वो वास्तव में सत्संग का प्रेम है। भले आपको लाइव नहीं मिलता है सत्संग, लेकिन सत्संग की जो महिमा है वो आपके दिल में है। तो कभी कभी संयोग में उतना काम नहीं होता है, उतना कार्य वियोग में हो जाता है, तर्पण भी काम में आती है। प्रभु के दर्शन हुए तो बहुत बलिया रही, लेकिन नहीं हुए तो उसके दर्शन की प्यास बढ़े और दम घुटने लगे और मरने को जी चाहे, ऐसा हो जाए अगर, इतने हम प्रेम दीवाने हो जाए तो भी संसार का रस तो कट्टा ही है कि देखो हमारा नसीब कि हमारे में इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कर सकें। चाहते हुए भी नहीं कर सकते, चाहते हुए भी हम अपने संयोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम हार जाते हैं। असल में सामने वाले का कोई दोस्त नहीं है, किसका दोस्त है ये? अपना अभी भी मेरे में इतना मोह है, मैं सामने वाले को नाराज नहीं कर सकता, अब मैं कमजोर हूँ। ये कमजोरी का, अपनी कमजोरी का उसको बहुत फील होता है। ऐसा कुछ करूं कि मैं अभी किसी की जरूरत ना पड़े, मैं अकेला रह पाऊं, ये परमात्मा तू मुझे सहाय कर, तू मुझे दर्शन दे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये दुनिया में सब धोखेबाज है, सब स्वार्थ के सगे हैं, और मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। तो जाएगा तो वहां मौत उठेगा, अगर जाना पड़ा तो क्या होगा, सत्संग में आएगा तो भी मौत उठेगा, क्योंकि वहां वही सीखने को मिलता है कि तुम अपने आत्मा से प्रेम करो और किसी से मत करो। और अगर नहीं आएगा और ऐसी सिचुएशन में कहीं उनको उनके साथ जाएगा तो भी क्या होगा, तो भी अपना तो मौत उठता है। तो सत्संग मिले या ना मिले, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपना मौत उठना चाहिए, अपनी भ्रांति मिटनी चाहिए। हमको ये अनुभव होना चाहिए कि संसार में जिसका आधार हम लेते हैं वो वास्तव में आधार झूठा है, और कोई हमको शरण नहीं इस दुनिया के अंदर। ये हमको फिर करना है, क्योंकि जब तक ये हमको लगेगा कि कुछ ना कुछ सारा बाहर में मिलेगा, तब तक क्या होगा, हमारी संसार की रुचि टूटेगी नहीं। टूटेगी कब, ये जानने से नहीं टूटेगी कि संसार खारा है, कोई अपना नहीं, ये शरीर भी अपना है, ये तो जानकारी हुई, एक्सपीरियंस कहाँ है। कोई मर जाता है अड़ोस पड़ोस में अपने घर में, वैराग्य बहुत आ जाता है इमीडिएटली, संसार खारा है, आसान है, देखो कैसे फू हो गए, क्षण में रोने लगे, एक दिन दो दिन चार दिन बारह तेरह होते ही क्या होता है, और वैराग्य कहाँ चले गया, ऑफिस टीवी चालू हो गया, पिक्चर जाना चालू हो गया, पार्टियों में जाना चालू हो गया, कोई मरता है क्या दूसरों के लिए, अपना वैराग्य भी टिकता है क्या? तो क्या होता है, ये वैराग्य टिकता नहीं है, वापिस हम बह जाते हैं। हमको ये जानना काफी नहीं है कि संसार आसार है, हमको एक्सपीरियंस करना है कि संसार कितना आसार है। और एक्सपीरियंस करोगे कि कोई अपना नहीं है तो फिर क्या होगा, संसार की रुचि टूटेगी, और जितनी रुचि संसार की टूटेगी उतना हमारा प्रेम अपने आत्मा पे सदगुरु पे बढ़ेगा, और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए आग्रह क्यों कि सत्संग में जाना है या नहीं जाना है, सिचुएशन देख करके काम कर लो। अगर आप बलवान हो तो बिल्कुल सबको हटा करके भी आ जाओ, क्योंकि सत्संग अमृत है, लेकिन अगर कभी आप कमजोर हो और आप में सामने वाले की फेस करने की, सामना करने की अगर आप में ताकत नहीं है तो रोते रोते उनका सहाय करो, उनके साथ दो, रोते रोते, हंसते हंसते नहीं। आपका कुछ क्वेश्चन था? अवलोकन के जितने पॉइंट्स हैं, बाकी सब पॉइंट्स में जी पास हो जाता, ये पॉइंट में अगर फेल हो गए तो अवलोकन हो जाएगा? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं, चार साल पांच साल दस साल अगर ये पॉइंट में भी नेगलेक्ट हो गया, बाकी सब 16 में से एक भी पॉइंट में अगर डिफेक्ट आई, पूरा मटिया मेल हो जाए, पूरा जीरो। हम समझते हैं कि हमको क्या, वो पागल है, वो गलती करते हैं, उन्हें भोगतेंगे, हमारा उसमें क्या है, लेकिन आप निमित हो ना,
उनके दुखों के आपकी साधना नहीं चल रही। आप एक्सपीरियंस कर लेना इस चीज को, आप जाके बाहर होगी, आपके अंतर स्थिरता बढ़ती नहीं है। क्या है कि किसी के हाय नहीं लेना, मेन बात यह है। आप अपनी साधना करो, मोक्ष में जाओ, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं जाना। ये सिद्धांत तो भगवान महावीर के है, और ये जितने भी सिद्धांत है तो 16 के 16 पॉइंट सर्वज्ञ की वाणी समझ के चलो, ये भगवान की वाणी है, ये कृपावड़े की वाणी मत समझो, क्योंकि कृपावड़े को फिर भी हम अपने लेवल में गिनते हैं, लेकिन भगवान की वाणी समझोगे तो उसका बहुत वैल्यू है, उनके आत्मा में से आई हुई आवाज है। ऐसा कैसा है धर्म है कि हम तो अपनी साधना कर ले चाहे दूसरा मरे या जिए, और वो भी अपने निमित्त से वो दुखी हो जाए, ऐसी कैसी साधना है। जरूर हमें कहीं हमारे संयोगों से प्रेम है, तभी हम उसको दुखी करते हैं। अगर माँ से प्रेम नहीं है तो पत्नी से प्रेम है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रेम नहीं है। क्या कहीं भी प्रेम ना होते हो, आप अपनी साधना में लीन हो गए हो, और अगर आप किसी को दुखी करते हो तो वो उसकी गलती है, अपनी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा में लीन हो। लेकिन नहीं, आप न तो आत्मा में लीन हो, न माँ का ख्याल रखते हो, और पत्नी का ख्याल रखते हो, खलास आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया, आपकी साधना नहीं होगी, ये गारंटी है। ये आप एक्सपीरियंस कर लेना, आपके ग्राफ है ना ऊंचे जाएंगे, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही सीधा नीचे डाउन आ जाओगे, वापिस ऊपर चलोगे वापिस नीचे आ जाओगे। प्रेम करना है तो फिर सिर्फ अपने आत्मा से ही करना, फिर पत्नी से भी नहीं करना, माँ से भी मत करना, बाप से भी नहीं करना, पैसे से भी नहीं करना, तो आप बिल्कुल सही हो। फिर वो दुखी होते हैं तो अपने कारण से दुखी होते हैं, आपके कोई भाव नहीं है, आपके आंखों में निर्दोषता है, लेकिन नहीं तो आप गलती में हो, क्योंकि निर्दोषता नहीं, एक प्रकार का अंदर में मन में वैर बुद्धि है कि मेरे प्रसंग में उन्होंने ऐसा गलत किया, वैसा गलत किया, वो गलत किया, और वो वैर को बड़ास को निकालने के लिए आप दुर्व्यवहार करते हो। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने निमित्त से भी दूसरों को दोष करने से रोक। ख्याल रखो कि कोई आप साधना करो तो करो, लेकिन कोई आपके मित्र नहीं बनना, कोई आपके दुश्मन नहीं बनना, ये ख्याल में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं हम इतने साल से सत्संग सुनते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? हृदय शुद्ध नहीं है। नहीं तो एक आदमी अगर सुधरता अंदर से तो चार जनों को और को लेके आता है, क्योंकि इसकी सुगंध फैलती है। हम इतने साल से आते हैं सत्संग सुनते हैं, सदगुरु में भक्ति है, सदगुरु के श्रद्धा है, मार्ग के प्रति अटल विश्वास है, और फिर भी हम एक को भी ला नहीं सकते हैं, उल्टा हमारा नाम बदनाम है घर में, समाज में, हर जगह। इसमें ऐसा होता है कि दो से तो प्रेम करते हैं, दो से नहीं करते हैं, ये गड़बड़ है, ये राग द्वेष है आपके दिल में। आप नहीं करते हो प्रेम तो किसी से मत करो, और करते हो तो सबसे करो, समझे आप पॉइंट? बैलेंस नहीं रहता तो आपकी गलती, आपकी साधना की कमी है। ये बताता है कि आप अपने आत्मा से प्रेम नहीं करते हो। जिसको अपने आत्मा से प्रेम है उसको जीव मात्र से, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, सबसे प्रेम होता है। उसकी आंखों में द्वेष और जहर तो निकल ही जाता है। क्या कि नहीं दुश्मन है तो उससे आप आंखें नहीं मिलाना? नहीं, आप निर्दोष हो, वो दुश्मन ही कर रहा है, आप में तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, आप बेधड़क आंखें मिलाई, जो गलती करेगा उसकी आंखें नीचे हो जाएगी, आप क्यों नीचे होते हो? लेकिन आपकी साधना सही नहीं चल रही, आपकी आत्मा आपको अंदर से धुतकारती है। जितना आप दूसरों को दुख देने में निमित्त बनते हो, दोष करने में निमित्त बनते हो, उतने ही आपकी आत्मा से आप दूर जाओगे। इसीलिए ये विश्व धर्म है, ये जैन धर्म, ये जो सिद्धांत है वो क्या है? विश्व धर्म है। एक कृपाल देव क्या कहते हैं मालूम? मेरी चित्त वृत्ति इतनी शांत हो जाओ, इतनी शांत हो जाओ, मैं अपनी साधना में इतने लीन हो जाऊं कि मृग जो हिरण होता है वो मुझे देख करके भाग ना जावे, उसको भी मेरे पर विश्वास आ जाए कि ये जीव ऐसा है कि मेरे को थोड़ी भी तकलीफ नहीं देगा, जानवर भी ऐसा समझे,
यहाँ तक कि इतना बोलते हैं वो आगे जा करके अपनी डायरी में लिखा है उन्होंने कि मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई वृद्ध मृग हो हिरण जो बड़ी उम्र का हो उसको अगर खुजली होती है सर के अंदर तो मुझे ऐसा समझे कि मैं झाड़ का ठूठा हूँ, बिना दाल पत्ते का मैं झाड़ का एक टुकड़ा हूँ, थर्ड वृक्ष का एक नीचे का हिस्सा जो बोलते हैं ना वो, तो वो आकर के भागने की बात तो दूर रहो, उसको खुजली होती है तो आकर के मेरे ऐसा ऐसा करके मेरी खुजली को मेरे शरीर से घस करके उस शरीर को अपनी खुजली को शांत करे, ये क्या समझते हो आप? ये विश्व धर्म है, जिसको अपने आत्मा से प्यार है उसको सारी दुनिया से प्यार है, जिसको अपने आत्मा से सच्चा प्यार नहीं है वो धोखेबाज है, उसकी साधना की सुगंध नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके आग्रह है, कहीं ना कहीं अंदर में वैर बुद्धि क्रोध द्वेष बहुत से भाव पड़े हैं, वो स्वार्थ में किसी से तो प्रेम करता है और किसी से नफरत करता है। पहले दिल की सफाई करो, अंदर की, अपने आत्मा से सच्चा प्रेम करो, अंतःकरण शुद्ध रखो, बाद में कोई गलती करे तो करे और कोई न करे तो न करे, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत समझने की बात है, गहरा उतरने की बात है। हम साधना कर रहे हैं तो फिर हमारी साधना से दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है? गुरु ने हमको इतना साथ दिया, हमको हमारे परमात्मा से मिलाया, हमने कर्जा कहाँ चुकाया? हमारे निमित्त से तो एक भी जीव नहीं आया आगे, सब भाग गए देख करके हमारे, ऐसा क्यों हमारा जीवन? एक ही कारण है, हमारी साधना सही नहीं है, हम अपने आत्मा को नहीं चाहते हैं। हम टेम्पररी जब प्रॉब्लम आता है ना तब द्रव्य दृष्टि करके थोड़ा अपने को शांत कर लेते हैं और वापिस थोड़ा उपयोग वहां से हटा बाहर में वापिस प्रेम कर लेते हैं, हर जगह उलझ जाते हैं, सब मौज मजा कर लेते हैं, वापिस जब तकलीफ बढ़ गई ना वापिस क्या करते हैं? स्वार्थवश अंदर में नजर करते हैं, थोड़ी शांति हो गई वापिस चले जाते हैं। ये हम अपनी आत्मा को धोखा देते हैं ना, इसकी सजा तो बहुत भयंकर होने वाली है, समझ लेना आप। अभी तो आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, पुण्य का उदय है, आपका हाथ भारी है, दूसरे कमजोर है, बिचारे हैं, बेसहारे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? बहुत तकलीफ हो जाएगी, साधना में बहुत तकलीफ होगी। आप अपने बल है ना, अपना बल का प्रयोग है ना अपनी साधना में लगाओ, किसी को दुखी करने में मत लगाओ, किसी को सुखी करने में भी मत लगाओ, किसी को सुखी करने से बेहतर है कि आप उसको सुखी होने का रास्ता बता दो। आप सुखी मत करो, उसका सब बोझा अपने सर पे मत रखो, उसको एक एक ऐसा विजन दे दो कि जो आपके गुरु से आपको मिला है, सुखी करने की कोशिश मत करो, दुखी करने की कोशिश मत करो, फिर भी अगर उसकी कोई डिमांड हो, आपको करुणा आती है तो उसको वो विजन दे दो जो गुरु ने आपको दिया है, वो पास ऑन कर दो, फिर उसको अपनाना है तो अपनावे, न अपनाना है तो बहुत बढ़िया बात है। जरा गहराई से सोचना, हम कहाँ खड़े हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है? अगर हम सही में शांति चाहते हैं तो हमारे निमित्त से कोई भी जीव, शत्रु हो या मित्र हो, कोई हमारे निमित्त से गलती नहीं करेगा, करेगा वो गलती अपने अज्ञानता के कारण और दूसरों को निमित्त बना करके, लेकिन हमारी साधना इतनी अच्छी चल रही है कि हमारे प्रति उसको उंगली उठाने को भी एक पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि हमारे दुश्मन को भी ऐसा कोई हमारे में नुक्स नजर नहीं आएंगे ताकि वो कह सके कि यहाँ उन्होंने गलती की और मेरे को इनके कारण से तकलीफ हुई, हमारे दुश्मन भी ये कह नहीं सकेंगे। तो समझना कि हमारी साधना बहुत टॉप चल रही है। आप कहाँ होंगे जब आपकी साधना ऐसी चलेगी, तो कहाँ होंगे आपको मालूम है? आप एक सेकंड भी परमात्मा से बिछड़ेंगे नहीं। अगर उपयोग बाढ़ भी आ गया ना तो भी बाढ़ में कहीं मिक्स न हो जाएंगे, नहीं होंगे आप मिक्स, उपयोग बाढ़ आ गया है, स्थिरता की कमी है, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रभु की याद निरंतर बनी रहेगी। अभी क्या होता है, बाढ़ आ गए तो उलझ जाते हैं,
अपने आत्मा को ही भूल जाते हैं। वापिस सत्संग आता है, सत्संग मिलता है पुण्य के उदय से, तो वापिस बैटरी चार्ज करते हैं, एक दो चार घंटा चलता है असर, बाकी थप डाउन। वापिस आते हो गड़बड़ करके, वापिस सत्संग में आते हो, वापिस बैटरी चार्ज होती है, रिचार्जिंग बैटरी है नहीं, दो चार घंटा असर चलती है, वापिस मटिया मेल सब। यहाँ से चप्पल पहनो, नीचे उतरो, भी क्या होता है, गुरु ने क्या कहा, हमको क्या मालूम, कोई थी ऐसी अच्छी आत्मा की बात, बहुत अच्छा लगा सुनने में, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वापिस वहाँ गए ना तो वैसे के वैसे ही रहे, न हमारा कोई आग्रह छूटते हैं, न हमारी कोई वैर बुद्धि छूटती है, हम आत्मा को ही भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ जो सत्संग में आते हैं उसका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, दिन भर का, पूरे दिन भर का 24 घंटे का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, सत्संग। यहाँ से छूटे की गलास, जैसा कि वो नरक में गए ऐसा लगता है, फिर हमारे पे कंट्रोल किसी का भी नहीं रहता है, हम ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, न गुरु होते हैं इस, वो भले कुछ ना बोले लेकिन बाजू में खड़े रहे तो भी हमारे से बहुत सी गलतियां तो होती ही नहीं, बाजू में रहे तो भी हम। इसका मतलब क्या है कि सत्संग का कितना असर पड़ता है हमारे हमारे प्रणव मन के ऊपर, सत्संग रहा तो हमारे से गलतियां चाहने पर भी नहीं होती है, और सत्संग छूटा कि हम आजाद पंछी हैं, फिर जो करना है करो, कोई देखता नहीं। लेकिन नहीं, आपका परमात्मा आपको देखता है, आप मत देखो, उसके पास सब लेखा जोखा है, आप कितने बदमाश हो, क्या कितने कामी हो, क्रोधी हो, अहंकारी हो, लोभी हो, आपका परमात्मा नहीं देख सकता है, दूसरा नहीं देखता है, आपका परमात्मा नहीं देखता है क्या? ये ऐसे सांपों को पाल करके आप कहाँ जाओगे, कैसे सुखी हो जाओगे? अंदर में तो क्रोध मान माया लोभ चारों कसायों को तूने ही पाला, आत्म प्रभु को जो करती है काला, इनकी तू संगति को छोड़ कि तेरा प्रभु तुझे ही मैं दो। काम क्रोध मद माया मोह क्या क्या है हमारे में, हम तो अंदर में भीतर में तो परमात्मा है सर्वशक्तिमान, लेकिन हमारी अवस्था कैसी है, होंगे करोड़ रुपए लेकिन बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, अभी क्या है थन थन गोपाल, 10 रुपए की साग भाजी भी नहीं खरीद सकते आप, खरीद सकते हैं, चेकबुक लेके जाओ साग भाजी वाले के पास, क्या होता है उसको पासबुक दिखाओ, 1 करोड़ रुपया है फिक्स डिपॉजिट, मैं 10 रुपए की साग भाजी देना, क्या करेगा वो, कल आना, क्या वापिस कल गया तो देखो ये चेकबुक, कल आना, इसका मतलब क्या है, होंगे तुम करोड़पति के बेटे, इम्पाला में आए हो, नीचे उतर रहे हो, था सूट बूट पहना है, हमको भैया 10 रुपया कैश चाहिए, 10 की जगह 100 रुपये का चेक नहीं चाहिए, कौन बोलता है, मामूली सागबाजी वाला अज्ञानी जिसको ABCD भी लिखना नहीं आता है वो ऐसा बोलता है, खत्म। आपकी होशियारी क्या हो गई, उसके सामने क्या हो गई आपकी होशियारी, वो अनपढ़ है, गुमार है, लेकिन उसको इतनी अकल है कि 10 की जगह 100 रुपये का चेक भी वो लेगा नहीं आपसे, भैया अभी सागबाजी है 1 किलो 10 रुपये की नोट अभी दूंगा। ऐसे आप परमात्मा जरूर हो लेकिन आपकी शक्ति को आप इतना नेग्लेक्ट कर लिए हो कि जीवन में शांति नहीं है, अशांति अशांति अशांति, आप भी अशांत हो और आपके माहौल में आजू बाजू आपके निमित्त से सब लोग अशांत हैं, न बाप सुखी है, न माँ सुखी है, न पत्नी सुखी है, न बच्चे सुखी है, न आजू बाजू वाले सब सुखी है, क्योंकि आप खुद अशांत हो। जब आप खुद अशांत हो तो दूसरों को शांति कैसे दोगे, आप जब खुद दोष करते हो तो दूसरे क्यों दोष नहीं करेंगे आपके निमित्त से। शांत आदमी के पास सब आते हैं और अशांत आदमी के पास जाते ही क्या होता है, वहां ठहरने को दिल नहीं होता है, होता है कि वो खुद ही बेचारा इतना पागल है, उठा पटक कर रहा है, इतना अशांत है, क्या उसको क्या मिलने वाला है, छोड़ो उसका साथ, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया आपसे नफरत करेगी, सब छूट जाएंगे, कोई आपका विश्वास भी नहीं करेगा,
इसका कारण क्या है? ये आपके अंदर में अपने आत्मा से प्रेम नहीं करने के कारण अवस्था में जो दुर्गुण है, ये दुर्गुण की सारे दुनिया वाले को समझ आ जाती है। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा देख करके कोई बोल सकता है क्या रोती सूरत हो व्यास्ती सूरत हो, क्या मालूम पड़ जाता है। इसीलिए अगर साधना परफेक्ट करनी है तो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, भूतकाल जो गया गया, आज से क्या करना है। कभी हम सबका ध्यान रखेंगे, ऐसा करोगे? हमारे से बहुत सी गलती हो गई, बहुत से लोगों को हमने दुश्मन बना लिया, बहुत से लोगों को दोस्त बना लिया है। इतने लोग हैं जो हमारे से प्रेम करते हैं, हमारे से राग करते हैं, इतने लोग हैं जो हमारे से नफरत करते हैं। चलो एक झाड़ू ले लो, क्या सबके दिल में से प्रेम निकाल दो, सबके दिल में से द्वेष निकाल दो हमारे प्रति, और सबको बोल दो देखो आज से हम फ्री, आप फ्री, हम आपके नहीं आप हमारे नहीं, हमने आपकी सारी अपेक्षाएं तोड़ दी, आप भी हमारी सारी अपेक्षाएं तोड़ डालो। पत्नी से जाके बोल दो देखो आज से तुम अपने हमारी कोई अपेक्षा मत रखना। माँ को बोल दो देखो आज से अभी हम अलग हो गए, आज से हमने नक्की कर लिया है हमारे से कोई अपेक्षा नहीं रखना। भी कहाँ जाने वाले हो? हिमालय। क्या करने वाले? इसी दुनिया में रहोगे ना तुम, कहीं भागने वाले तो नहीं हो ना। फिर क्या करना? पुरानी गलतियों को निकालना है तो क्या करो? अपनी आत्मा से प्रेम बढ़ा दो और अपनी साधना अच्छी करो, ये बात है और कोई बात नहीं। रिपेयरिंग करने को नहीं जाना, रिपेयरिंग करने जाओगे तुम रिपेयर हो जाओ। व्यवहार ठीक करना है, गोल ठीक करना है, दोनों में व्यवहार ठीक करना है या गोल ठीक करना? गोल ठीक करना तो व्यवहार अपने आप ठीक, नहीं तो क्या होगा? गाड़ी आ गई और घोड़े। सबसे पहले तो अपने आत्मा को संभालो, अपने आत्मा को नहीं संभाला है ना, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो इतना अफसोस हो जाता है, बहुत गलती हो गई, अब कुछ करूं? जब करने जाओगे तो मर जाओगे, करना नहीं है कुछ। गोल से भी ज्यादा गोल तक पहुंचने का रास्ता ठीक करना, अवलोकन करना कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों हम अपने आत्मा को इतना नेगलेक्ट करते हैं, ताकि दूसरों को मौका मिलता है, कोई हमसे प्यार करता है जिसकी हम अपेक्षा पूरी करते हैं, कोई हमसे नफरत करता है जिसकी अपेक्षा हम पूरी नहीं करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? ये छोटी सी जिंदगानी में हम क्यों इतना गड़बड़ कर देते हैं? हम भी बिगड़ जाते हैं, हम भी दुखी रहते हैं और सारी दुनिया वाले को भी दुखी कर लेते हैं, क्यों? पूछो क्यों? क्या मिलता है? चलो सब दुखी होकर के भी अगर आपको सुख मिलता है तो जरूर करो, ऐसा कोई मना नहीं, लेकिन ऐसा भी तो कहाँ हो रहा है? बहुत समझने की बात है। अब रिपेयरिंग कैसे करना पुरानी गलतियों का? फॉरगेट द पास्ट, डोंट ड्रीम फॉर फ्यूचर, ठीक? प्लानिंग नहीं करना है, नहीं लेकिन बाबू उनको द्वेष हो गया तो थोड़ा ठीक करने जाऊँ ना, माफी मांग के आऊँ, नेवर, कभी माफी नहीं मांगना, कभी क्षमा नहीं मांगना, दूसरी गलती करो, देखो आया आखिर मुझ नीचे करके, क्या देखो माफी मांग रहा है, मैं पहले से ही कहती थी कि मैं सच्चा हूँ या मैं सच्ची हूँ, क्या नहीं माफी नहीं मांगना। ऐसी अच्छी साधना करो कि आपकी आंखों में जो नजरिया है ना ये बदल जाए, कोई भागे नहीं आपसे, नफरत ना करे, आपको देख करके वो खुद ही दौड़े दौड़े आ जाए आपके पास। ऐसी साधना करो, आत्म साधना करो। किसका ख्याल रखना? अपने निमित्त से भी कोई दोष ना करे इसलिए हम दूसरों का ख्याल रखे, किसका ख्याल रखना? अपने आत्मा का। बोलो अब कैसा करना? नहीं आपने इसमें लिखा है ना दूसरों को क्या, दूसरों को दुखी सुखी नहीं करना, दूसरों को दोषी नहीं बनाना, अपने निमित्त से सबका ख्याल रखो। अब आँख बंद करना है सर, देखना कौन दुखी हो रहा है कौन सुखी हो रहा है। गुरु जी ये टॉपिक से थोड़ा कि चक्रवर्ती जब अपना सब छोड़ के जब जाता है तो उसके पीछे हजारों रानियां दुखी होती है। दुखी क्या, सर पटकती है दीवारों में और नाखून निकालती है, कोई बाल खींच लेते हैं, मत जाओ हमारे स्वामी आपके बिना तो हम जहर खा लेंगे वो कर लेंगे, देखो आप हमारे से छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज, पैर पकड़ लेते हैं, क्या
मैं आपके साथ पहले से ही नहीं था, जब आपके साथ मैं भोग विलास में था ना तब भी, ये तो मेरा राग था, मेरे को खुद को इतनी आत्मा से प्रेम नहीं था, और बाहर आता था तो थोड़ा आपसे प्रेम हो जाता था, मेरा राग था इसलिए मैं आपके साथ रहता था, मेरा स्वभाव नहीं था क्या, समझे आप? और आप लगते, आपको लगता था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इम्पॉसिबल, मैंने आज तक किसी को प्रेम नहीं किया है, लेकिन जब जब मैं अपनी आत्मा के साथ प्रेम नहीं करता था, अंदर नहीं रहता था, साधना नहीं करता था, तब मेरा उपयोग बाहर आता था, तब मेरे को ऐसे अशुभ भाव आते थे और मैं आपके साथ रहता था, इसको आपने समझ लिया कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और था मेरी कमजोरी, लेकिन अब मेरी आत्मा की साधना इतनी बढ़ गई है कि मुझे राग ही उत्पन्न नहीं हुआ है, हो रहा है क्या? आपके साथ रहने का जो मेरा जो लगाव, मेरा खुद का लगाव है, वही खत्म हो गया है। अब मैं कैसे रहूं आपके साथ? आपके ऊपर मेरे को कोई द्वेष नहीं, आप भी परमात्मा हो, लेकिन मैं क्या करूं, हम दोनों को जोड़ने वाला जो मेरा लगाव था आपके प्रति साथ में रहने का, वो खत्म हो गया है। लेकिन उनको तो लगाव रहेगा ना? रहेगा, लेकिन इसकी पोजीशन नहीं है ना साथ रहने की, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तो क्या हुआ है, अंदर से लगाव खत्म हो गया और साथ में रहने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी खत्म हो गया। हाँ, ये भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी अभी बच गया है, खलास हम छोड़ चले यह लोक, तभी लोकांत विराज क्षण में जा। तो फिर इतने लोग जो दुखी होते उनके तो निमित्त बन गए, दुखी अपने मोह के कारण हो रहे हैं। वो बात थी ना जैसे कमल लिखे थे कि दोष तो वो सबसे बड़ा ये कर रहा है कि सामने वाला कि स्वयं के स्वभाव को ही भूल रहा है कि वो खुद वो तो अभी आगे आएगा, ये तो पॉइंट अभी 16 पॉइंट है, तो अभी तो 14 पॉइंट पे अटके हैं। फिर भी अपन खुद जागरूक होकर भी उनको एक तरीके से दोष जो ये बोध नहीं मिल रहा है उन लोगों कि जो हमारे साथ इतने साल साथ में रहता था, भोग विलास करता था, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानी का स्वामी, आज उसको कितना जबरदस्त वैराग्य आ गया है, कितनी जबरदस्त आत्म साधना है कि एक तिनके की जैसे सबको छोड़ करके जंगल में जा रहा है, तन पे वस्त्र नहीं, मुकुट नहीं, कुछ नहीं, एक केस का लोच भी निकाल दिया है, और अकेला बेसहारा सब अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके जंगल में जा रहा है अपनी साधना करने के लिए। इससे ज्यादा बढ़िया सुंदर आत्म साधना का जीवंत रूप काम भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम मोह के अंधे हैं, हमको हमारा राग दिखता है, हमको साधना नहीं दिखती है, गलती किसकी? इसीलिए देखो नेम जी जब छोड़ के चले गए राजू को, शादी की पूरी तैयारी हो गई, बिल्कुल रेडी, और किनारे पे दरवाजे पर आकर के जाम वापिस चले गए, भगवान को वैराग्य आ गया, वो मुनिराज बनने वाला है, चले गए। अब यहाँ राजू का क्या हाल होगा? बचपन से जिसका फोटो देख देख करके सपना था कि मेरा पति, मेरा स्वामी तो तीर्थंकर होने वाला है, वही वो नेमनाथ है, आज अभी वो घड़ी आ गई है, सिर्फ चंद घंटों का ही एक वाला माला अंदर चले जाए तो हम बंधन में बंधे जाएंगे, वो दरवाजे पे आकर के वापिस चले जाए तो क्या हुआ नाजुल को? उसको इतना तकलीफ हो गई, वो तकलीफ के अंदर बाद में रिवर्स विचार आया कि कुछ जरूर ना कुछ कारण होना चाहिए इसका, थोड़ा विचार करते ही मतलब पर्दा हट गया, नव भाव का सम्मिलन हो गया, नव भाव तक ये दोनों पति पत्नी के रूप में थे लास्ट क्या, और वो दो टूटी, अब नव भाव का सम्मिलन कर, तो मैं आज भी नहीं छोड़ूंगी आपको, जिस पथ पे आप गए हो उस पथ पे मैं चलूंगी, आप संसार को छोड़े हो, आप भले ही मेरा साथ छोड़ते हो लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती, कहाँ गए वो नेम, जाती है वो भी जंगल में और आरजी का बन जाती है,
अपने आत्म साधना करती है। बाप बोलता है कि क्या हुआ, मैं दूसरा राजकुमार ढूंढ के देता हूँ, मेरा स्वामी चले गया मेरे को छोड़ करके, जिस रास्ते पे वो गया है उस रास्ते पे मैं जाऊं, वो आत्म साधना करने गए हैं तो मैं भी कोई कम थोड़ी हूं, या नहीं संसार में नहीं तो मोक्ष में सीधा ले पे हम दोनों साथ में हो जाएंगे। देखो साथ तो नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने भले ही छोड़ा है। तो उन्होंने क्या किया कि नेम जी को वैराग्य आया तो उनमें से शिक्षा ले ली, रोए नहीं कुछ ज्यादा, समझ आ गई फौरन क्या करना क्या नहीं करना, कि मैं दुखी क्यों हो रही हूं मोह के कारण, शादी क्यों करना चाहती मोह के कारण, वो क्यों जंगल में चले गए क्योंकि निर्मोही बन गए, अब मुझे क्या करना है कि उनसे मेरे को सीखना है, जैसे वो निर्मोही है ऐसे मैं भी निर्मोही बन जाऊं, वो सुखी होते हैं तो मैं काहे को दुखी हूं, मैं भी सुखी हो जाऊं, अपने अपने मोह के कारण सब दुखी सुखी होते हैं, हम तो क्या है निमित्त बनते हैं, लेकिन साधना अगर अच्छी होगी तो हम निमित्त भी नहीं बने, ये बात प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि हमारी साधना अच्छी नहीं चलती है तो क्या होता है, तो फिर हम किसी से लगाव रखते हैं और किसी से लगाव तोड़ देते हैं, किसी से प्रेम और किसी से नफरत, तो ये ठीक नहीं है। रे आत्मतारो शीघ्र इन्हें ओढ़खो, सर्वात्म मां समदृष्टि दो, वचन ने हृदय लखो, माँ में भी वही आत्मा है जो मेरे आत्मा अंदर में भीतर में विराजमान, और पत्नी में भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर विराजमान है, बाप में भी वही आत्मा है बेटे में भी वही आत्मा है, फिर एक से लगाओ और एक से लगाओ क्यों नहीं, सबके समान दृष्टि क्यों नहीं, सर्वात्म मां समदृष्टि दो आ वचन ने हृदय लखो, लेकिन हम गुरु की बात नहीं मानते क्या बोलते हैं, रे आत्मतारो शीघ्र इन्हें ओढ़खो, दूसरी लाइन क्या है, सर्वात्म मां समदृष्टि दो आ वचन ने हृदय लखो, पत्नी हो कि माँ हो दोनों हमारे लिए समान है, दुश्मन हो कि मित्र हो दोनों हमारे लिए समान है, वो भिन्न आत्मा है हम भिन्न आत्मा है, जैसी हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान है वैसी उनमें सर्वशक्तिमान आत्मा है, वो गलती करते हैं वो तो उनकी अवस्था में है, लेकिन अंदर से देखे तो वो भी पूर्ण पवित्र परमात्मा है, ऐसा नजर करो तो क्या होगा, अब आपको पत्नी में पत्नी नहीं दिखती है उसमें परमात्मा दिखते हैं, और माँ में भी परमात्मा दिखते हैं, किस पे राग करोगे किस पे द्वेष करोगे, बच्चे में भी परमात्मा और बाप में भी परमात्मा, किस पे राग द्वेष करोगे, जगह कहाँ है राग द्वेष करने की, जिसकी अपनी दृष्टि सुधर गई तो उसकी सारी सृष्टि बदल गई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, देखो कैसा है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि सत्संग मिलने के बाद भी हमारी दृष्टि नहीं पलट रही है, एक आंख में तो प्यार है किसी के लिए, एक आंख में तो नफरत है किसी के लिए, ऐसे दूजा भाव क्यों, ऐसी दुविधा क्यों, बस यही गड़बड़ होती है, आप किसी से प्रेम मत करो तो हमसे ही मत करो कोई बात नहीं, क्या वो कल क्या बोला था, मैं कुछ गीत बोला था, किसी और से करेगी तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहो तो बड़ी मुश्किल होगी, तुम प्यार मत करो मैं ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन किसी से करे तो खबरदार, क्या तो बंदूक लेकर के अगर मेरा हाथ में मशीन गन होती तो खत्म कर देता मैं, ऐसे बनते ना सनम बेवफा को पिक्चर आई थी तो क्या करते थे नहीं, मैं थोड़ा बड़ा देखी नहीं पिक्चर, वो ट्रेलर आता है ना, वो ट्रेलर देखा तो वो क्या करते हैं, जिसको चाहता है वो अगर उससे शादी करता है तो क्या करता है, सुनी बात है क्या हकीकत मेरे को भी नहीं मालूम, उसका नाम नहीं सनम बेवफा पिक्चर, 3 घंटे का बोर कर दे क्या, ऐसा होता है ऐसा नहीं करना है, हम ऐसी साधना करें सबके ऊपर हमारा ऐसा ही मित्र भाव हो, क्या ये प्रेम भरल हो
क्या आता है वो? अमी भरेलू, अमी भरेला ये नहीं, ये उठ दूसरा मैत्री भाव नु पवित्र धरनो। मैत्री भाव नु पवित्र धरनो मुझ हैया म वया करो। ये चित्र विचित्र बानु थे ना, चित्र बानु तो विचित्र बानु थे नहीं बनाया और पूरे दुनिया में फेमस हो गया ये गीत अपने पास भी है। मैत्री भाव नु पवित्र धरनो मुझ हैया म वया करो। शुभ थाओ असकर विश्व नु ये भी भावना नित्य रहो। ऐसा रहना चाहिए। अगर हमारी साधना सच्ची है तो हमसे कोई क्यों भागे दूर, सब नजीक आ, सब पाओ, सब भगवान बन जाओ। हम तो ये चाहते हैं कि सब भगवान बनो। हम आपके दोस्त ना देखेंगे, आप में संभावना है परमात्मा बनने की, हम वही देखेंगे। आप भले ही बोलो आपको सुखी बनना है तो आप अपने दोस्त दिखाओगे डायरी में, लेकिन हमारी नज़र दोस्त के ऊपर नहीं है। हमारी नज़र किसके ऊपर है? संभावनाओं के ऊपर है। शायद कोई ऐसी घड़ी हो, आप पलटी मारो तो क्षण में परमात्मा को देख लो। दोष जरूर है, हमारे में भी है, आप में भी। कोई परमात्मा नहीं बना है, लेकिन संभावना है कि हम परमात्मा के दर्शन करके स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। एक भी किरण अगर मिल जाए ना, जहां से क्लिक कर ले तो क्लिक कर ले। क्या करना है? दोषों को देखकर गुण को देखो तो जीवन धन्य हो, अपना भी और औरों का। हमारे गुरु ने हमको एंट्री दी, हम बहुत पापी थे, ऐसे थे, तो भी उन्होंने हमारे को ये नहीं देखा, उम्र न देखी, हमारी गलतियां नहीं देखी, हमको गले लगाया। हम भी तो ऐसा करें, किसी के दोस्त क्यों देखें, सबको गले लगाए और सबसे इतनी प्रेम रखें, सब में परमात्मा देखें। बदा भगवान छे ने बदा भगवान थी जा, ये हमारे गुरुदेव का मंत्र है। बदा भगवान छे ने बदा भगवान थी जा कर। सुशांत जनी।